अरे श्वेता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहाँ चलो, उधर गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं अपन। क्या हुआ तुम्हें? क्यों जी चमक छलो? यानी खुशी के मौके पे मातम वाला मुंह बना के क्यों खड़ी है? ओ, तेनु अपने भाई का इंतजार है ना, वो फिक्र ना कर, वो ऐसे नहीं आएगा। हाँ भेजिए, अगर उसे अपनी बेइज्जती करानी हो तो भाई बेशक आ जाए। और रुक, जाने दे उसे। मेहमानों के सामने ऐसा मुंह बना के खड़ी होगी तो मेहमान क्या कहेंगे? वैसे भी इस वक्त वो तेरी वोटी नहीं है, अपने भाई की बहन है। और जब उसे तेरी फिक्र नहीं है तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? खड़ा रहे चुपचाप से। संदीप जी आ गए। क्या हाल है मोंटे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत जश्न है वो है? संदीप जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ी मेहरबानी है जी, बहुत वेलकम है, आपने मेरे नियुक्ति का मान रखा। नहीं जी, वो तो आना ही था। साक्षी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे बाकी लोग कितने हैं? ये बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आंटी, वो देविका जी का कमरा कौन सा है? उपतर ऊपर चली जा, सीधे हाथ पे जाके ना तीसरा कमरा है, जा। आप लोग आइए जी, आइए, आओ जी, आओ। वो साक्षी, तुम अकेली आई हो? मेरा मतलब बाकी लोग अभी तक नहीं आए, और तुम दोनों बहने मिलकर भाभी को तैयार भी करने वाली थी ना। पल्लवी, पल्लवी माँ के साथ आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बिल्कुल मन नहीं है मेरा तैयार होने का, गुस्सा आ रहा है ये सब करते हुए, लेकिन क्या करूं, हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी मजबूरियां खड़ी होती है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकती। झुकना पड़ता है मुझे हालातों के सामने। अब आज ही देख लो, आज मेरा रिसेप्शन है, मेरे सारे घर वाले आ रहे हैं, और चाची तो इतनी खुश है मेरे इस रिसेप्शन को लेकर, अब उनका दिल नहीं दुखा सकती, सिर्फ उनके लिए मुझे दिखावा करना पड़ेगा। मुझे ही पता है मुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ये दिखावा। और अगर नहीं किया तो मेरे घर वालों को बुरा लगेगा, उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अंबे मां, ये सब आप ही करवा रही हो ना? मैं जानती हूं आपकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप यही चाहती है ना मेरे लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि इन हालातों से मैं लड़ पाऊं, इन हालातों का सामना कर पाऊं, कभी टूटू ना। मेरे दिल को इतना मजबूत बना दीजिए कि सारे दर्द झेल पाऊं। आप चाहती है ना कि मैं शादी को निभाऊं? मैं निभाऊंगी, मैं हर वो काम करूंगी जो जो आप चाहती है। लेकिन ये साक्षी पल्लवी क्यों नहीं आया अभी तक? चाची ने तो कहा था बहुत देर से निकले हुए हैं। फोन करके देखती हूँ। हेलो दी, मैं आ गई हूँ, पर तू कौन से कमरे में है? साक्षी तुम आने के लिए मैं तुझे ही फोन करने वाली थी, बहुत लंबी उम्र है तेरी। तू पहले ये बता, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अरे बाबा, आ तो गई हूँ, लेकिन मैंने ना सब जगह ढूंढा, तुम मिले नहीं रही है। कौन से कमरे में तैयार हो रही है? अच्छा अच्छा, सुन मेरी बात। वो नीचे से स्टेयर्स है ना, वहाँ से राइट लेकर लेफ्ट लेना। थर्ड रूम है मेरा, थर्ड रूम में आ जा। अरे बाबा, ये सब मुझे मंजू आंटी ने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सब जगह ढूंढा तो कहीं नहीं मिल रही है। तू नीचे तो आ, तब एक साथ ऊपर चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, दो मिनट रुक, मैं आती हूँ तुझे लेने के लिए। आप लोग, आप तो भी अकेले चुपचाप ऐसे क्यों खड़े हो? वो कुछ जूस वूस लिया कि नहीं आप लोगों ने? ओ जी, आप हमारे सब्दी हो, इस जश्न के खास मेहमान हो जी, आप ऐसे कैसे खड़े हो? ओए इधर आ। ओ देख, ये हमारे सबसे खास मेहमान है, इनका ज्यादा ध्यान रखना हां, इनको अच्छे से खिला पिला, चल जूस लेके आ, चले जा। ओ जी, जूस की कोई जरूरत नहीं, आप फॉर्मेलिटीज मत पड़िए, घर की बात है जी। ऐसे कैसे, आप खास मेहमान हो जी, सबसे पहले आप हो। समनन जी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे बात यह है कि दरअसल पहले अजय की शादी में, फिर इस शादी में आपके बेटे विकास का काफी नुकसान हो गया। हाँ जी। और विकास ने तो दोनों ही मौकों पर खासी मेहनत की, लेकिन बीजी की वजह, मेरा मतलब
देविका की दादी की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया। हम जी इस बात को लेकर बड़े शर्मिंदा हैं और मैं अपने परिवार की ओर से आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जी चलो, वाकई खासी परेशानी होगी आपको हमारी वजह से। आप इसको रख लीजिए। जी है क्या जी? थोड़े से पैसे हैं जी। अब देखिए रिसेप्शन का सारा खर्चा भी आप ही ने संभाल लिया है, तो आप इसे रख लीजिए। ज्यादा तो नहीं, 3 लाख है जी। आपके काम आ जाएंगे। वैसे तो जी इसकी क्या जरूरत थी, जब आप जबरदस्ती दे रहे हो तो फिर रखना ही पड़ेगा जी। अब जी आपका घर हमारा घर अब तो एक ही बात है जी। हमारा घर आपकी बेटी का भी तो घर है। तो जी आपने कितना ख्याल रखा है हमारा, मैं तो जी धन्य हो गई। इतनी अच्छी बहू मिली है, ऐसे शरीफ समधी मिले, मुझे बड़ी नसीबों वाली हूँ जी, मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ। हमारी बेटी भी कम नसीब वाली नहीं है, जो आप जैसे अच्छे लोगों का परिवार मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और अभी मेरी देविका को बहुत खुश रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल खुश रखेंगे जी। पापा से पैसे लेकर कितनी खुश है ना ये, लालच तो इनके रग रग में भरा है। मैं जरा देख के आता हूँ बाकी लोग पहुँचे कि नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी पहुँचे। देवी माँ इतनी बड़ी कृपा कर दी आपने, मुझे साक्षात लक्ष्मी का रूप आया है घर में। जब से बहू के कदम पड़े चारों तरफ से फायदा ही फायदा हो रहा है। अभी तो 10 करोड़ आने बाकी है। आया है पर जावा गुड़ खाते। ये लड़की मेरे सामने कुछ और माँ के सामने कुछ और, डबल गेम खेल रही है मेरे साथ। मुझे लगा कि लड़की मासूम होगी, भोली होगी, पर नहीं, ये तो बहुत चातर निकली। एक मिनट रवि, तुझे क्या हो गया? तू क्यों देविका की तरह कचकच कचकच कर रहा है? क्या भागे मेरे यार, मैं क्या था और क्या बन गया? इस लड़की के चक्कर में मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या होगा मेरा। चल सकते हो या जानबूझ के टकरा गए मुझसे? मेरा दिमाग खराब है क्या? तो टकराऊंगा तुमसे मैं। गलती से हो गया। गलती से हो गया तो हटो। तुम हटो। तुम हटो। तुम हटो। मोंटी, तुम्हें वो रोमांटिक गाना याद है? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। Exactly. और एकदम खुलेआम रोमांस चल रहा है दोनों का, चलेगा भी ना, नई नई शादी जो हुई है। लेकिन भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों कमरे में जाओ ना, यहाँ सब लोग देख लेंगे ना। मोंटी साक्षी तू चल मेरे साथ। जी श्वाम। अरे साक्षी, साक्षी की बात, साक्षी की बात सुनो। अरे 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 कहाँ लेके जा रहे? बहुत अच्छा किया जी। आंटी देविका जी कहाँ है? और साक्षी टाइम से पहुँच गए थे ना? उधर वो तो ऊपर है, कब के आ गए? तू भी चले जा, देविका तैयार हो रही है, जा। भाभी चले। वैसे मंजू जी एक बात तो है, इतने कम समय में आपने इतना कुछ सजा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। जी बस देवी माँ की कृपा है, और फिर जी आप सबने इतना साथ दिया है हमारा, आप लोग जी बड़े अच्छे लोग हो। तो पहले तो जी मैं सावित्री जी को लेके थोड़ी मुझे गलत फहमी हो गई थी, पर जी इन्होंने साबित कर दिया कि इनका दिल बहुत बड़ा है, ये अपनी पोती से कितना प्यार करती है।
हे भगवान, ये कहीं बीजी को ना बता दे। अगर बीजी को पता चला कि हमने इन्हें पैसे दिए हैं तो। जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने पुरानी बातों को बिल्कुल भुला दिया जी। तो क्या है ना मंजू जी कि हम तो चले थे लेने हीरा अनमोल, पर रास्ते में किस्मत ने कर दिया झोल और हमारे गल में पड़ गया फटा हुआ ढोल। बस उसी को बजाने की कोशिश कर रही हूँ। बीजी ये आप क्या कह रही? नहीं नहीं रेखा जी, बोलने दीजिए ना सावित्री जी को, आज तो इन्हें सात खून माफ है। बोलिए। कमाल हो गया, ये तो बड़ी दरिया दिल बन रही है आज। इतना उछल क्यों रही है? इतने अच्छे इंतजाम पे पैसा तो बहुत ही खर्च हो गया होगा, इसका कर्ज चढ़ गया होगा सिर पे। इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ना चाहिए था चिंता के मारे, पर ये तो शहद चपकाए जा रही है अपनी बातों में। सावित्री जी आप क्या सोचने में लग गए? इतना सोचने की क्या बात है, आप ये लो जी। जी आप ये बताओ कि आपको अपने पोती के रिसेप्शन का इंतजाम कैसा लगा? तो मतलब डेकोरेशन, खाना पीना सब कुछ जी आपके लायक है ना? वही देख रही हूँ जी, ठीक है, अच्छा है सब कुछ। काफी पैसे खर्च हो गए होंगे। जी आप जैसे रिश्तेदार हो जिसके, उसको पैसों की चिंता कहाँ करनी होती है। ओ देखो जी, मैंने भी बातों बातों में आपको दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया। ओ, अंदर आओ जी, अंदर आओ, आजा पुत्र, आजा, शाबाश शाबाश। हाय है मंजू, उम्र से पहले सठिया गई है क्या? इतना खर्च कर दिया रिसेप्शन पे, अरे पैसे बचा के कुछ गहने शहने बनवा लिए होते। अच्छा अब तू समझाएगी मुझे खर्चे के बारे में? वो क्या हुआ ना, विकास को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल, एडवांस तो मिला अलग से और ये सजावट हमें मिल गई मुफ्त में। क्या बात कर रही है, पता एक गजब और हो गया। वो विकास ने ना एक ठेका लिया था एक शादी और सगाई का, उनके पैसे ही नहीं मिल रहे थे। अब भाई मुझे तो लगा जी पैसे डूब गए, लेकिन फिर कमाल हो गया, उस पार्टी ने सामने से आके 3 लाख रुपए मुझे दे दिए और खुद सामने से आए। जब से तेरी बहू आई है ना, वो बस कमाल ही हो रहा है। जब से उसके पैर पड़े हैं ना मेरे घर में, चारों तरफ से ना बस पैसे ही पैसा बरस रहा है। अरे तू दियोलो की बात कर रही है ना, तू तो कह रही थी वो बुढ़िया बहुत ही अड़ियल है, पैसे कैसे निकाले उसकी जेब से? बुढ़िया ने थोड़ी दिए, उसके बेटे ने लाके दिए। तो मुझे तो लगता है उसकी माँ को पता ही नहीं है, जो सावित्री को पता चलता ना उसने तो गश खा के गिर जाना था। बेटे ने पैसे दिए? कहाँ गई है अटल और शेखर, इनकी इतनी हिम्मत के मुझे बिना बताए पैसे दे दिए इसे। बाहर तो बड़ी छपियां छपियां पा रहे थे हाँ, और अब अंदर एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हो, मतलब इतना भी क्या शर्माना? साक्षी काम क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें हम दोनों की इतनी फिक्र है तो फिर हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो क्या है ना, तुम्हारी दीदी का चेहरा मेरे दिल में छप गया है, बार बार दिल करता है कि मैं उसका चेहरा देखता ही रहूं। और वैसे भी क्या मालूम इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा हो। जीजू मुझे अच्छे से पता है आप ना दी के साथ टाइम बिताने के लिए बेताब हुए जा रहे हो, लेकिन अगर मैंने आपको इसकी इजाजत दे दी ना तो फिर तो दी की आंखों में घंटों बीत जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मुझे ना दी को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है और मैं इसमें कोई रिस्क विस्क नहीं ले सकती। हाँ, और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि दी अभी तक तैयार नहीं हुई तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? इसीलिए अपनी जज्बातों पे ना थोड़ा काबू रखिए। सिर्फ 10 मिनट की बात है, आई प्रॉमिस, उससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं, 10 मिनट तो बिल्कुल नहीं। साक्षी तू क्यों टाइम वेस्ट करिए, चल जल्दी तैयार होना है। वो क्या है ना साक्षी, तुम्हारी बहन मेरा सामना नहीं कर सकती इसलिए बहाने बना रही है। एनीवेज मैं चलता हूँ। अरे नहीं जीजू, आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार की दुश्मन हूँ। अब इतना प्यार करने वाले लोगों के लिए पूरी तो रहमत होनी चाहिए ना, तो इसलिए जीजू आप ना यहाँ पे वेट करके मुझे दी को तैयार करते हुए देख सकते हो। नहीं साक्षी, ये क्या बोल रही है तू, ये यहाँ कैसे रुक सकता है? अरे दी, अगर मैं जीजू की बात मान के उनको यहाँ पे रुकने देती तो फिर आप मना करती ना, तो इसलिए आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और वैसे भी मैं जीजू को इस
इसलिए रुकने के लिए बोल रही हूँ ताकि यहाँ पे रुकेंगे, आपको देखेंगे, उनकी बेसब्री और बढ़ जाएगी। तो मैं भी तो देखूँ चीजों की बेसब्री आपके लिए। तो इसलिए ना आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या फिर तो आप दोनों को मैं यहाँ पे अकेले छोड़ दूँगी, या फिर चीजों को यहाँ पे रुकने के लिए बोलूँ। तो जल्दी से बताओ आपको कौन सा ऑप्शन मंजूर है। साक्षी ये तो सही नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता है ना, लेकिन मैं जो कर रही हूँ ना एकदम सही कर रही हूँ। अच्छा तुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है, चेंज कर। साक्षी मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ, वॉशरूम में जाके। जीजू मैं आपको उनके साथ अंदर नहीं भेज सकती। साक्षी मेरी बात सुनो, मुझे कुछ तुमसे बहुत। एक मिनट। हाँ माँ एक मिनट, माँ का फोन है। ये अंदर वो बाहर, मैं यहाँ पे झक मार रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। साक्षी सुन, इसे क्या? साक्षी जल्दी आ इधर अंदर। और साक्षी कहाँ गई, कहाँ फंस गया यार मैं। साक्षी हेल्प करना कब से ट्राई कर रही हूँ। ओ एक्चुअली साक्षी तो कहीं बाहर गई है। मैं तो बताने वाला था कि मैं रवि हूँ, लेकिन तुमने मेरे बोलने से पहले दरवाजा खोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती? जानबूझ के तुम अंदर आए हो, पता है मुझे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या क्या चाहता हूँ मैं? हाँ मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ज्यादा भोले बने की जरूरत नहीं है, बहुत चालाक हो। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानता, और ना ही मुझे तुम्हारी बकवास समझ में आती है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई, क्या लगता है तुम्हें? किस टाइप का आदमी हूँ मैं, लड़की वॉशरूम में चेंज कर रही है और मैं बाहर छुप छुप के देखूंगा? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। लेकिन मैडम ऐसे शौक मेरी लाइफ में कभी नहीं पाले, और ना ही मैं सोचता हूँ कभी ऐसा। एक तो मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है तुम्हारे बिहेवियर से, ऊपर से तुम मुझ पे इल्जाम लगाई जा रही हो। अरे बर्दाश्त की भी हद होती है यार। और एक बताओ तुम चाहते क्या हो? अंदर तुमने मुझसे ये कहा कि मासिदा की ये बोलो कि तुम रिसेप्शन में नहीं आ सकती, और जब मैंने मासिदा के 10 बहाने बनाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो नहीं आ सकती, और तुम बाहर आके बिल्कुल ही बदल गई कि नहीं माजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो ये पूछने आया कि मैं शाम को क्या पहनूं, क्या कर रहे हो तुम। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रिसेप्शन खत्म होने के बाद तुम सारा इल्जाम उस पर ही लगाओगी, झगड़ा करोगी मुझसे कि मेरी वजह से ये सब किया, मेरी वजह से वो सब किया। हद होती है यार। देविका मुझे तुम पर चलाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी बुरा लगता है तुम्हारी बातें सुनकर। देखो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। ओके क्या हुआ, अब खड़े क्यों हो, जाओ, जाने वाले थे ना तुम। एक्चुअली दरवाजा लॉक हो गया और हैंडल भी हाथ में आ गया। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, तुम आए अंदर और इतनी जोर से दरवाजा बैंक किया कि दरवाजे का लॉक टूट गया। Not again, यार। बार बार जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो यार, पर मुझे क्या मालूम था कि ये मेरे हाथ में आ जाएगा। तुम्हें पता ही होगा तभी तो तुम अंदर आए, मैं साक्षी को बुला रही थी तो अंदर क्यों आए तुम। देखो तुम्हारे जो भी इरादे ना मैं पूरे नहीं होने दूंगी। चुप, एकदम चुप, एक और लफ्ज नहीं बोलना। वरना क्या? वरना पड़ता है तुम्हें वरना। दूर रहना मुझसे। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं। वरना क्या 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 करोगे तुम? हाँ? वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी और सबको बुला लूंगी। अच्छा, ये भी ठीक है। तो अब एक काम करो, तुम जोर से चिल्लाओ और सबको बुलाओ, ठीक है? सबको बुलाओ और सबको यहाँ पर आने दो और देखने दो कि हम दोनों वॉशरूम में एक साथ बंद हो गए और दरवाजा भी लॉक हो गया। सब लोग आएंगे तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर, और फिर देखेंगे कि हम दोनों यहाँ पर वॉशरूम में एक साथ बन गए, वो भी ऐसी हालत में। कौन फंस गया मैं तुम्हारे साथ, अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सबको पता है कि तुम कैसे हो, एक नंबर के घटिया लीचड़ इंसान। लेकिन
तेरी तो इज्जत दांव पर लग गई है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। अभी चुप। बस क्या यार, मैं जब देखो कच 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 क्या करूं मैं, कैसे बाहर निकलूं और कैसे इसको बाहर निकालूं मैं यहां से। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। दी, माँ बुला रही है। साक्षी, साक्षी अभी धीरे से बात करो। कहीं ये लोग मेरे साथ छुपा छुपी का गेम तो नहीं खेल रहे हैं? जीजू, पर कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अरे माँ बुला रही है। दी, साक्षी अगर उन्होंने को ऐसे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो प्लीज कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या। तुम दो मिनट के लिए चुप बैठोगी? मुझे सोचने दो क्या करना है। तुम्हारी वजह से लगता है चीजू मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर तो नहीं चले गए, पर दी, दी तो अंदर वॉशरूम में ही थी। दी, तू अंदर है ना? आवाज नहीं आ रही अंदर से। कहीं ये दोनों बाहर तो नहीं चले गए मुझे ढूंढते ढूंढते? देख के आती हूँ।